वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों पत्नी के हाथ में होता है पति की किस्मत को संवारना, साथ ही जब पति और पत्नी के संबंधों में अगर दरार आती है तो पत्नी के हाथ में ही होता है पति की किस्मत को पलटना, उसे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। वहीं पत्नी की कुछ गलतियां पति को बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पत्नी भूल कर भी ये 5 गलतियां ना करें वरना आपके पति हो जाएंगे भिखारी व घर में आएगी कंगाली, आपको रहना चाहिए सावधान। दोस्तों घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो वो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नरक बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में सच है। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर कभी भी घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र भी बताता है कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर ही निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर में सुख शांति दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी अपने घर में नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको सुख समृद्धि के स्थान पर कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और आपके पति बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात है कि कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारी जानी चाहिए। जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता छाई रहती है और उस घर में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं आती। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्तों जिस घरों की महिला घर में कभी भी झूठे बर्तन रखती है तो उस घर में कभी भी संपन्नता और लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और ये गरीबी और दुख का कारण बन जाता है। और विशेष तौर से खाने पीने और अग्नि से जुड़े हुए बर्तन आपको जरूर मांज लेने चाहिए, अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अग्नि से जुड़े बर्तन यानी कि दोस्तों तवा कढ़ाई इस तरह की चीजें आपको जरूर धो लेनी चाहिए वरना ये आपके दुख का कारण बनता है। दोस्तों सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार सबसे बड़ा कारक और सबसे बड़ा सुहाग होता है उनका सिंदूर। सिंदूर को जिस भी टिप्पी में या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती है वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सर पर पल्ला करके लगाएं और अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आपकी कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर एक बार आपने ये गलती कर दी तो ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्टकारक बन सकता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में है तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली चीज है दोस्तों पायल और चूड़ियां और खासकर बिच्छियां। दोस्तों सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां पैर का पहना हुआ पायल और बिच्छियां किसी के साथ भी शेयर ना करें, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में स्वयं सोतन को आमंत्रित करते हैं, इसलिए आपको ये अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदिया भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए वरना ये हमारे कष्ट का कारण बन जाते हैं और ये आदतें हमें बर्बाद कर सकती है। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है और पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आना शुरू हो जाती है। दोस्तों जो महिला एक काजल और लिपस्टिक अगर लगाती है तो इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों काजल लिपस्टिक महिलाओं के साथ श्रृंगार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब एक सुहागन काजल लिपस्टिक लगाती है तैयार होती है तो पति की नजरें अपनी बीवी से हटने ही नहीं पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल और लिपस्टिक आपके और आपके पति के बीच दरार भी ला सकती है।
साथ ही साथ ये आपके पति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप बात जान लें कि अपना काजल और लिपस्टिक भूल से भी किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें, वरना पति पत्नी के बीच में दूरियां आती है, ऐसे में पति का प्यार कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि काजल लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाएं ब्रश का या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख देती है और अगली बार फिर से उसका इस्तेमाल कर लेती है, तो दोस्तों ये आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों आपको अपने साज श्रृंगार का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इसी के साथ जरूरी ये है कि आप अपने साज श्रृंगार का सामान, खासकर काजल लिपस्टिक, ऐसे ही कहीं पर भी ना रखें, बल्कि इसे छिपा कर रखें ताकि किसी अन्य की नजर इस पर ना पड़े। यहाँ तक कि आपने जो भी ब्रश लिया है, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया है लिपस्टिक या काजल लगाने के लिए, उसे भी आप साफ करके छिपा के रख ले, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि एक विवाहित स्त्री के श्रृंगार के सामान पर सबसे पहले नकारात्मकता असर करती है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर आपके श्रृंगार के सामान पर लगती है तो इसका सीधा नुकसान आपको और आपके पति को झेलना पड़ता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ महिलाओं की आदत होती है कि यहाँ की बातें वहाँ करना और वहाँ की बातें यहाँ करना, इस बात के कारण दोस्तों हमेशा नकारात्मकता उत्पन्न होती है और नकारात्मकता आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। शादी के बाद पति का भाग्य पत्नी के साथ जुड़ा होता है और दोनों को हर तरह का सुख दुख और साथ ही भोगना होता है। अगर पति कुछ बुरे कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को भी भुगतना पड़ता है और अगर पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसका दुष्परिणाम पति को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों अगर घर की महिलाएं ये काम करती है तो पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है और वो काम है दोस्तों घर की स्त्रियों का सुबह देर से उठना। घर की महिलाओं को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेने चाहिए, लेकिन जो स्त्री सुबह नहीं उठती है और देर तक सोई रहती है, ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उन स्त्रियों के पति कभी भी धनवान नहीं बनते। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि घर की स्त्रियों को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए, परंतु अगर कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं है और बात करते समय वो कड़वे शब्दों का प्रयोग करती है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल होता है। इसी कारण से उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और जिसकी वजह से घर के सदस्यों को भी धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती उस घर में देवी लक्ष्मी का वास भी नहीं होता, माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। स्त्रियों को दोस्तों व्रत जरूर रखना चाहिए, कम से कम एकादशी या पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें, इससे पति की भी आयु लंबी होती है और साथ ही घर में भी समृद्धि आती है। दोस्तों जिस घर की स्त्रियां किसी पराए पुरुष के साथ अनावश्यक अर्थार्थ के बिना कारण ही बातें करती हैं और बिना कारण ही उनसे मिलती हैं और बिना कारण ही लोगों की आंखों में खटकती है, तो उस घर में कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती, उस घर में कलह व आतंक का माहौल रहता है। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि फालतू में या बिना किसी कारण के पराए पुरुष के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल।